हाय दोस्तों, मैं हूं हरबीर सिंह और आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी का हमारा टॉपिक है जिसे हम मनोविज्ञान बोलते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम मनोविज्ञान के संप्रदाय ये पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है संरचनावाद, प्रकार्यवाद हमने नाम सुने हैं, जो गैस्टलवादी होते हैं ये भी सुना है, लेकिन दोस्तों ये है क्या? तो ये पॉइंट हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के संप्रदाय ये टॉपिक है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ संप्रदाय का अर्थ है किसी मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक मत, एक विचारधारा या विधियों का अनुसरण करना, मतलब सेम विधि को मान रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सिंपल शब्दों में, जो संप्रदाय है मनोविज्ञान के, जो संप्रदाय हैं, तो यहाँ मनोविज्ञान संप्रदाय से मतलब है कि कोई मनोवैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है तो उसमें अपने एक मत रखना, एक ऐसा ग्रुप जो मनोविज्ञान का कोई अध्ययन है उसमें एक मत दे रहा है, एक विचारधारा है उनकी, एक बात को वो मान रहे हैं, तो वो एक अलग संप्रदाय हो गया। जो दूसरी बातों को मान रहा है वो एक अलग संप्रदाय हो गया। तो जितने भी संप्रदाय हैं ये अलग अलग बातों को मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, तो इसके दोस्तों जो प्रवर्तक थे, इसको मानने वाले थे, वो दोस्तों विलियम वुंड थे। वुंट के अलावा दोस्तों इसमें टिचनर, एडवर्ड और वेडफोर्ड दोस्तों ये भी इसको मानते थे, इसके प्रवर्तक थे संरचनावाद के। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं और इसमें क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप दोबारा देख सकते हैं, संरचनावाद प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंट थे। वुंट के अलावा दोस्तों इसमें टिचनर, एडवर्ड और वेडफोर्ड भी मतलब संरचनावादी थे, ये भी इसी विचारधारा को मानते थे। तो दोस्तों संरचनावादियों के अनुसार क्या था, मतलब ये क्या पॉइंट मानते थे? संरचनावादियों के अनुसार जटिल या मानसिक अनुभव वास्तव में क्या है? संरचनाएं हैं। उनके अनुसार क्या दोस्तों? जो जटिल मानसिक अनुभव है हमारे, वो वास्तव में क्या है? संरचनाएं हैं जो अनेक मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी है, जो काफी मानसिक हमारी कुछ कंडीशंस हैं उनसे मिलके वो बनी है, तो ये क्या है? संरचनावाद। और दोस्तों ये इस बात को मानते हैं जो संरचनावादी हैं। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आप देख सकते हैं प्रकार्यवाद। तो दोस्तों प्रकार्यवाद क्या है? फंक्शनलिज्म, जो फंक्शनलिज्म है ये प्रकार्यवाद है। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक है दोस्तों वो कौन है? विलियम जेम्स इसके दोस्तों प्रमुख प्रवर्तक हैं। इसके बाद जॉन डीवी हो गया, केटिल हो गया, थार्नडाइक हो गया और वुडवर्थ हो गए। इन्होंने एक अच्छा काम किया है, जो प्रकार्यवाद है इसको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है, जॉन डीवी ने, केटिल ने, थार्नडाइक और वुडवर्थ ने। क्योंकि विलियम जेम्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा है, सुना है, तो उसमें क्या है कि विलियम जेम्स दोस्तों एक अच्छे लेवल तक उसे नहीं लेके जा पाए थे प्रकार्यवाद को, लेकिन जॉन डीवी, केटिल, थार्नडाइक और वुडवर्थ ने दोस्तों प्रकार्यवाद को एक वैज्ञानिक आधार दिया। इसके बाद दोस्तों जो प्रकार्यवादी थे वो क्या मानते थे? प्रकार्यवादियों ने दोस्तों यह जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभव का किस प्रकार प्रयोग करता है, मतलब वातावरण के साथ समायोजन करने में जो इंसान है वो मानसिक अनुभव का किस प्रकार प्रयोग करता है, इन्होंने ये जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम दोबारा आएंगे, जो संप्रदाय हैं इनके बचे हुए 3-4 संप्रदाय और हैं वो लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।